किसानों की खुदकुशी पर सियासत गर्म है। आज नेता विपक्ष हेमंत सोरेन ने गुमला में मृतक शिवा खड़िया के परिवार वालों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया, वहीं सरकार को कोसने से भी नहीं चूके। इससे पहले हेमंत सोरेन ने टूटती सांसों को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक ओपन लेटर लिखा है और इसी लेटर पर अब हो रही है सियासत। झारखंड में अन्नदाताओं की खुदकुशी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हेमंत सोरेन ने 2 अगस्त को गुमला में किसान शिवा खड़िया के परिजनों से मुलाकात की। शिवा खड़िया ने 30 जुलाई को आर्थिक तंगी से परेशान होकर जान दे दी थी। हेमंत सोरेन शिवा खड़िया के ठिठोली पोखरा स्थित घर पहुंचे और सरकार पर निशाना साधा। सरकार कहीं न कहीं किसानों के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो सिर्फ अखबार और मीडिया तक ही सीमित है। इतना लाल कार्ड हो या वृद्धा पेंशन हो या जो कुछ भी बनाना हो, चाहे उसका खाने के लिए देना हो या पानी के लिए देना हो, अगर गांव में ये योजना बने तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। जीवन यापन और इसके किसान के को हम लोग कुछ उपाय नहीं है यार। वही हेमंत सोरेन चान्हो के लखन महतो को लेकर भी सरकार पर हमलावर हैं। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को लगभग 4 पन्नों का एक ओपन लेटर लिखा है। खत में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि वह खुद पतरातू गांव गए और उन्होंने मनरेगा कुआं खोदने के एवज में भुगतान नहीं होने के कारण सुसाइड करने वाले किसान लखन महतो के परिवार वालों से मुलाकात की। सुसाइड करने वाले किसान के ऊपर बकायेदारों का दबाव था, दूसरी तरफ रोजी रोटी की चिंता थी। अपने बनाए कुएं में कूद कर लखन ने जान दे दी। चान्हू के पतरातू पंचायत का भी जायजा लिया तो जो तस्वीर सामने आई वह चौंकाने वाली थी। 25 लाभुकों को मनरेगा के अंतर्गत सामग्री मद में 45 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसमें से 18 लाभुक पतरातू पंचायत के ही थे और इनके भुगतान के लिए 13 जून 2019 को रांची के DDC को पत्र भी भेजा गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुसाइड करने वाला लखन भी उन्हीं 18 लाभुकों में से एक था। लखन महतो की 80 वर्षीय माँ को भी सरकारी सिस्टम ने ओल्ड एज पेंशन के लायक नहीं समझा। वहीं हेमंत सोरेन के ओपन लेटर पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। मुझे लगता है राजनीति को इतने गर्त में नहीं ले जाना चाहिए प्रतिपक्ष के नेता को, और किसानों की समस्याएं हैं, हमारी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो इसमें सबको सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे मामले में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। तो हम राजनीति के हर स्तर पर जाने के लिए तैयार, सड़क से लेकर सदन तक, जनता के बीच, और आने वाले चुनावों में भी इन मुद्दों को रखा जाएगा। रांची से लेकर गुमला तक किसानों की खुदकुशी पर सियासत गर्म है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सच में सियासतदानों को अन्नदाताओं की फिक्र भी है। गुमला से रणधीर के साथ सौरभ, जी मीडिया, रांची।